सर अभी तक तो नोटिस नहीं किया, मैंने नोटिस नहीं करा। नहीं, मेरी बात हुई, सब लोगों ने सुपर बोला और आप लोगों ने भी तो देखा। आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लेकिन फ्रेंड्स फैमिली से क्या कुछ रिएक्शंस व्हेन दे सॉ द ट्रेलर फॉर द फर्स्ट टाइम? सुपर, सब लोगों ने बोला सॉलिड है, सुपर हिट है। अब वो जनता बताएगी। एक्चुअली किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किरदार क्या है, अपने किरदार के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी आपको सबसे पहले, तो ये बताइए। हाँ, दैट्स गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आई एम प्लेइंग अ बिजनेस टाइकॉन। मॉरिशस का एक बिजनेस टाइकॉन है, तो उसके कैरेक्टर को मुझे प्ले करना था, तो काफ़ी कुछ मैंने अपने ऊपर उस कैरेक्टर को लेके वर्कआउट किया था। लेट्स सी। एक्चुअली जो मेरा कैरेक्टर है, जब आप फिल्म देखोगे तभी पता चलेगा आपको, बट एज कम्पेयर आई एम द रोल आई एम प्लेइंग, इट्स वेरी बोल्ड एंड वेरी यू कैन से चैलेंजिंग रोल एज वेल। एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे एक लड़की कैसी चीज़ों को चेंज करती है, तो आप जब आप फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा। ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि मेरे कितने अलग अलग परसेप्शन है कैरेक्टर्स को लेके, कि ये लड़की शायद इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या वो कुछ कुछ भी हो सकती है। जब आप फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा। शिवम, आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, फिल्म को एक्ट भी कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट और इजी होता है ये, और क्या आपकी मतलब फ्रेम में जाके देख रहे थे कि आप कैसे कर रहे हो, या फिर क्या मतलब? ऑफकोर्स जब मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाता हूँ तो चार उंगली मेरे भी ऊपर उठती है। सो एक्चुअली काफ़ी टफ भी था और नहीं भी था, बिकॉज मुझे मेरी सारी टीम बहुत अच्छी मिली, सब ने सपोर्ट किया, जो मैं चाहता था वो सब ने अपना 100% दिया। और अगर आप बोले मेरे खुद के ऊपर, तो मैं जो कैमरे के सामने जो एक्ट करता था, मैं सिर्फ यही मेंटालिटी लेके चलता था कि शिवम यू आर डायरेक्टर ऑल्सो, जो गलतियाँ हैं वो तुझे दोबारा से करनी है, बिल्कुल विदाउट किसी उससे। सो स्क्रीन पे देखने के बाद, मॉनिटर पे देखने के बाद लगता था यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर दोबारा से हम लोग उसको रिटेक करते थे। स्प्लिट्सविला और MTV के मैंने जितने भी शोज़ करे हैं, एक्चुअली वो मैंने सब में ऑडिशंस दिए थे। मेरा मूवी में बॉलीवुड में आने का कोई ऐसा सोचा नहीं था कि मैं आऊँगी, मैंने बहुत ब्रेक दिया। जो रियलिटी शोज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और बॉलीवुड थिंग्स वो डिफरेंट होती है, आपको उसमें एक रोल प्ले करना पड़ता है, और रियलिटी शो में आपको रियलिटी दिखानी पड़ती है कि आप क्या हो। बहुत टाइम का ब्रेक लिया था, किसी ने बहुत लोगों ने बोला कि आप ट्राई क्यों नहीं करते, तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रूमिंग स्टार्ट की, मैंने एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट की, पूरा ग्रूम करा अपने आप को। अगर आप मेरा रियलिटी शोज देखेंगे उसमें मैं डिफरेंट हूँ, एज़ कम्पेयर टू मूवी में देखेंगे मैं डिफरेंट हूँ, तो हर चीज़ें चेंज करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। बहुत मुश्किल था। एक्चुअली मैंने दोनों कैरेक्टर, जो मेरी दोनों मेन लीड हीरोइन हैं, दोनों के कैरेक्टर के लिए मैंने काफ़ी ऑडिशंस किए, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। मैंने आई थिंक मोर देन 200 गर्ल्स का मैंने ऑडिशन लिया था, और जब मैंने इनको देखा तो आई थिंक ऑडिशन से पहले ही मैंने इनको कंफर्म कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे कैरेक्टर में ये परफेक्ट बैठी थी। मैं इनको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कभी पहले नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम जब मैं मिला, मुझे लगा यार यही मेरे कैरेक्टर है, यही मेरे फिल्म की कैरेक्टर है जेनी। सो फिर बाद में ऑडिशन लिया तो इन्होंने काफ़ी अच्छा किया, तो और कॉन्फिडेंट डबल हो गया। सो ऐसा था। और बाकी और कैरेक्टर्स के लिए मैंने पहले ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि जो मेरे फिल्म का कैरेक्टर है ओंटिनो ज़ेपेरियो, उसके लिए राहुल देव सर ही रहेंगे। हमने उनको अप्रोच किया, मैंने उनको नैरेट किया, उनको स्टोरी बहुत अच्छी लगी और वो हमारे फिल्म के पार्ट हुए। सो सब मतलब कास्टिंग में थोड़ी सी मेहनत हुई थी दोनों लड़कियों को, दोनों हीरोइंस को, दोनों फीमेल लीड
एक्टर को लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर वाइफ का कैरेक्टर इंडियन लुक लड़की चाहिए थी और एक कम्प्लीटली वेस्टर्न लुक चाहिए थी, तो हुआ। सर बेसिकली मैंने काफ़ी फिल्मों में, काफ़ी रीजनल फिल्मों में मैंने लीड में काम किया हुआ है, बट जब ये अभी यू कैन से ऑफ कोर्स यार, यार थोड़ा बहुत तो लगता ही हूँ यार। अच्छा लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा 22 डेज एक रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा फिल्म है, और थैंक्स टू मिस्टर आदित्य नारायण, आफ्टर द शापित आई थिंक 9-10 साल हो गए होंगे शापित को, तो आफ्टर द शापित उन्होंने किसी फिल्म में काम किया तो हमारी फिल्म में काम किया एज एन फ्रेंडली अपीयरेंस, वो आए उन्होंने फिल्म में गाना भी गाया है और अपने गाने पे उन्होंने परफॉर्म भी किया, और थैंक्स टू मिस्टर आदित्य नारायण, थैंक्स अलॉट, एंड थैंक्स टू एंटायर माई टीम। 22 डेज आप लोग देखोगे, एक ब्यूटिफुल फिल्म है, ब्यूटिफुल लोकेशंस पे पिक्चराइज हुई है, तो आप लोगों को आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा लगा। या ऑफ कोर्स, हाँ जी, एक्चुअली मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि यहाँ पे एक राम चंद्र करके एक मेरे भाई हैं, वो बड़ी देर से शांत चुपचाप से बैठे हुए थे, तो मैंने इशारा भी किया कि भाई कुछ बोलोगे, तो बोला भी तो 22 डेज एक्चुअली थैंक यू राम। ये फिल्म जिंदगी का एक लम्हा है, 22 दिन में ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचती है और कहाँ से कहाँ पहुँचती है, तो ये 22 दिन एक ज़िंदगी का पार्ट है, एक लेयर है, लाइफ के लेयर्स हैं जो आप फिल्म देखने के बाद आपको पता चलता है। थैंक यू सो मच। जब आप लोगों ने ट्रेलर देखा यहाँ पे सबके साथ, द फर्स्ट थिंग दैट केम टू योर माइंड आफ्टर वाचिंग द ट्रेलर? जितने पैसे लगे उससे ज़्यादा की पिक्चर दिख रही थी। थैंक यू। मॉरिशस की खूबसूरती थी, और जिस कैमरे को किस तरह से आपने देखा, खुद ही आप ये बात देख रहे हैं, तो वो जो लार्जर देन लाइफ वाली जो बात होती है सिनेमा के लिए, ग्रैंडियर दिख रहा था, वो आकर्षण सबसे, क्योंकि सिनेमा छलावे की भाषा है, छलावे का फील्ड है, छलावे की दुनिया है, तो जो दिख दिख करके दृश्यों के माध्यम से हम दिखाते हैं, तो वो एकदम सारे सीन अट्रैक्ट कर रहे थे, और ऐसे में चाहे वो लव मेकिंग सीन हो, चाहे वो बोट के सीन हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सीन हो, तो देखिए इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है, मैं आपको बताऊँ, हम तो कलाकार हैं, हमें हमारा रोल समझ में आ गया और हमने हाँ बोल दिया, तो हम उस पर उसी पे गोते खाए जा रहे हैं, लेकिन जो पूरी फिल्म को किस तरीके से प्रदर्शित करना दिखाना है, उसमें थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, रोमांस भी है, मतलब किसी कोई तो हो सकता है रोमांस के भाव से ही जाएगा और पिक्चर का मजा लेके आ जाएगा, वो ऑप्शन भी है, थ्रिलर भी है, सस्पेंस भी है, तो मिश्रण है। और जो आपने मॉरिशस की खूबसूरती को देखा, वो लोकेशन, वो सीन्स, चाहे वो हॉर्स राइडिंग का उसका रेस कोर्स का सीन हो, वो मुझे लगता है रेस कोर्स वाला शूटिंग तो पहली बार हुई है, आज तक किसी को परमिशन भी नहीं दिया, हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया। सर आपने क्या देखा इस फिल्म में, ऐसा क्या नयापन देखा, क्या यूनिकनेस देखा दैट यू वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ? एक कास्टिंग जब शिवम ये न्यू एक्टर आज दिन डूइंग ओरिजिनल फिल्म एंड देन सुमन पांडे जी, राहुल देव जी एंड आवर artist, female artist was fantastic. And you know, the new generation is, as an idea, junoon. You have to want to reach the top. And one thing I can tell you, if you watch a movie, it's an invitation for you all to visit Mauritius. And that's what I said. And sir, can we expect in future, is there a film that supports the government? Is there a plan? Absolutely. Support will be. We are not only doing in Mauritius, but we will visit also France in the future and Estonia. I'm flying to Estonia with the government of Estonia. This way is underway. Okay, chalo ye achhi khabar aapne di hai.
कॉम्बो अगर आपको चाहिए, जैसा कि फिल्म में बात हो रही है, रोमांस भी है, सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, ब्यूटी भी है, तो सारा एक कॉम्बो आपको अगर अब देखने को अगर चाहिए तो उसके लिए 22 डेज आप देखें। बाकी सिनेमा परफॉर्मिंग आर्ट है, परफॉर्म किया गया है हर चीज़, तो वो आप स्टेज हॉल पे जाएंगे तो उसका आनंद और आएगा, छोटे स्क्रीन पे कम आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।